हमारी पार्टी इस देश के लोगों के लिए है। हमारा मानना है कि गरीबों का विकास ही इस राष्ट्र का विकास है। केवल गरीबी हटाना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य ये है कि देश के हर गरीब को प्रगति करने का अवसर मिले। देश को आजाद हुए 66 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश से गरीबी नहीं मिटी है, जो कि बड़े दुख की बात है। आज भी हमारे देश के अधिकतर लोग गरीबी में जी रहे हैं। हमारी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि गरीबों के भले के लिए सोचती है और उनके विकास के लिए काम करती है। हमने आज तक उनके लिए क्या कुछ नहीं किया है, हमने हमेशा उनका साथ दिया है। हम जानते हैं कि गरीबी क्या है और गरीबी किसी भी इंसान को कितना कमजोर और मजबूर बना देती है। बच्चों, इस दिवाली वेकेशन में आपको एक प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट का टाइटल है इंडिया माई कंट्री। आप इसमें से किसी भी टॉपिक पर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ए, द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। बी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सी, द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया। और डी, द प्रो पुअर स्कीम्स ऑफ इंडिया। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपने प्रोजेक्ट को पिक्चर्स से सपोर्ट करें। आप पिक्चर्स इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी यूज कर सकते हैं। ओके, हैव अ हैप्पी एंड सेफ दिवाली। बच्चों, खाने से पहले और खाने के बाद क्या करना चाहिए हमें? हाथ धोना चाहिए। वेरी गुड। और हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? ताकि हमारे हाथ के कीटाणु हमारे पेट में ना जाएं। गुड। और हमें हर रोज नहाना चाहिए, क्योंकि अगर हम साफ सुथरे नहीं रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, है ना? हाँ। तो बच्चों, कल फिर हम यही मिलेंगे 4 बजे। आप लोग सब आओगे ना? हाँ। हम जी भर के खेलेंगे और साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे, ठीक है? चलो जाओ, भागो। मुझे लगता है कि ये लोग इस पूरे रैकेट का सिर्फ एक हिस्सा है। ये वाला ग्रुप मंदिर के सामने वाली सड़क पर भीख मांगता है। और इसके पहले के फोटो में जो दोनों थे, वो ये मोहन है और ये कजरी है। ये दोनों कहते हैं कि इन बच्चों के माँ बाप हैं। आई डोंट थिंक सो, ये लोग भी इसी रैकेट का हिस्सा होंगे। आई थिंक हमें इन बच्चों को अपनी क्लासेस में बुलाना चाहिए और फिर पता करना होगा कि ये लोग कहाँ के और यहाँ कैसे पहुंचे। रवि, क्या तुम्हें लगता है कि मोहन और कजरी को बच्चों को हमारी क्लास में भेजने के लिए हम राजी कर सकते हैं? पता नहीं, शायद कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब करने की क्या जरूरत है। हम लोग पुलिस को डायरेक्टली इन्वॉल्व करके पूछताछ क्यों नहीं कर लेते? ऐसे नहीं होता रवि, इन बच्चों को पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, इसलिए इन लोगों के डर के मारे वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। मुझे लगता है कि हमें इन बच्चों से फ्रेंडशिप करनी होगी, इनका विश्वास जीतना होगा। नमिता, तुम कोशिश करो, यू हैव द एक्सपीरियंस, फिर देखते हैं। एक मंदिर के बाहर वाली सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चों पर एक एनजीओ की नजर पड़ती है, जिसका मकसद है बेगिंग माफिया की गिरफ्त से ऐसे बच्चों को बचाना, साथ ही उन बच्चों को भी बचाना जो बाल मजदूरी के लिए मजबूर किए जाते हैं। ये बच्चे थे कौन और क्या थी इनकी कहानी? गौरी, इसका खाना कम कर, आजकल ठीक से काम नहीं करता ये, क्यों बे? भैया, मैं ठीक से काम करता हूँ, लेकिन ये छोटू है ना, वो मुझसे पहले आके पैसे लेके चला जाता है। अबे तेरा किराया जब तेरे से कोई छीन रहा है
तो तुझे मना किसने किया लड़ने से? दो रख के देता इसको। ईश्वर आलसी हो गया तू। गौरी इसकी ट्रेनिंग टाइट कर आज से। जी दीदी। अरे वाह चंदा, आजकल तू बहुत अच्छे पैसे कमाने लगी है। सकल से एकदम बिचारी लगती है और एक्टिंग भी अच्छी कर लेती है। मैंने कहा था ना इसका पैर काम आएगा। गोरी दीदी एक और चपाती मिलेगी क्या? इतने से तेरा पेट नहीं भरता क्या? बहुत भूख लगी दीदी। पहले 300 रुपए कमा के ला, फिर दुर्गा दीदी से तेरी चपाती बढ़ाने की बात करूंगी। आ खा के मोटा हो गया तो भीख कौन देगा? एक दे दो ना दीदी। चुपचाप जो दिया है वो खा ले, नहीं तो बुलाती हूँ कचरू भैया को। बुलाऊं क्या? कर रहे हो अभी तक तुम लोग? चलो जल्दी से नीचे आओ 5 मिनट में। हाँ देर से आओगे तो छड़ी पड़ेगी। चलो 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 जल्दी आओ फटाफट। चलो जल्दी आओ चल। अरे बाल तो बिगाड़ अपने। चल हाँ चल 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 चल। शर्ट कौन फाड़ेगा? चल हाँ चल चल चल। सुनो नत्थू रागिनी, आज से तुम लोग अलग अलग जाओगे। कचरू इसके साथ रामबाग सिग्नल जाने के लिए 3 बच्चे भेज दे। पर वो सिग्नल तो भगवान दादा के पास है ना। अरे तू भेज ना, मैंने साहब लोगों से बात की है, अगले 6 महीने तक वो सिग्नल अपने पास है, भेज। रागिनी तू छोटू चल, गीता ए लालू चल निकल, इन सबको साथ में लेके जा। नत्थू तू इन लोगों को संभाल। लेकिन कचरू भैया मैं अकेले इतने सारे बच्चों को कैसे संभालूंगा? अबे इतने बच्चों को नहीं संभाल सकता, धंधा बढ़ रहा है तो करना पड़ेगा ना। चलो निकलो सबके सब, 8:30 बज गया। चलो 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 चलो। जिनके बारे में बात कर रहा था और वो मोहन और कजरी। रवि तुम यहीं रुको, हम चलकर बात करते हैं। ठीक चलो काजी। ये बच्चे आपके हैं? हाँ क्यों? वो भीख मांग रहे हैं। इतनी गरीबी है मैडम, क्या करें? आप लोग कोई काम नहीं करते? आपको क्या चाहिए? आपके बच्चे हैं तो भीख क्यों मांग रहे हैं? हम लोग बहुत गरीब है मैडम, भीख नहीं मांगेंगे तो पेट कैसे भरेंगे? अभी आपके बच्चे कितने छोटे हैं और आप लोग? आप कौन है मैडम? हाँ। और आप चाहती क्या है? देखिए हम लोग एक एनजीओ के लिए काम करते हैं। देखिए मैडम जी वो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे पास उनका जन्म पत्र भी है। हाँ। आप चाहती क्या है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल पासी के पार्क में हम एक स्कूल चलाते हैं ऐसे बच्चों के लिए, जहाँ हम बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं, तो हम सोच रहे थे कि अगर आप आपके बच्चों को, और ज्यादा नहीं सिर्फ 1 घंटा, अगर ये बच्चे भी आ सके तो। कौन से माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते मैडम, लेकिन हम लोगों को तो इनका पेट भी भरना पड़ता है।
ये भीख नहीं मांगेंगे तो फिर खाएंगे क्या? ज्यादा नहीं, बस दिन में एक घंटे के लिए भेज दीजिएगा अपने बच्चों को, वो बहुत कुछ सीख पाएंगे। मैडम जी, हमें ये एनजीओ के झंझट में नहीं पड़ना है। इसमें झंझट की कोई बात नहीं है, बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे और वापस लौट जाएंगे। हो सकता है इनमें से कोई बड़ा आदमी बन जाए। ठीक है, हम सोच के बताते हैं। आप लोग सोच लीजिए, हम लोग कल फिर से आएंगे। इन लोगों के पास कोई काम वाम नहीं है क्या? झिक झिक करने आ जाते हैं बेकार की। इन लोगों से बचकर रहना पड़ेगा मोहन। सो गए सब? हाँ, चल तू भी खाना खा ले। यदि वो दो एंजो वाले 3 दिन से हमारे पीछे पड़ी है, क्या करें? एक काम करते हैं, कल से बच्चों को किसी दूसरी जगह पर भेज देते हैं। अबे पागल हो गया क्या तू? उस मंदिर वाली जगह के लिए भाड़ा दिया हमने पूरे 1 साल के लिए, ऐसे थोड़े ना छोड़ सकते हैं। एक काम करते हैं दीदी, उन बच्चों को कहीं और भेज देते हैं और उनकी जगह पे दूसरे बच्चों को मंदिर भेज देते हैं। अरे लेकिन वो एनजीओ वाले पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे दीदी? ठीक है, एक काम कर, बच्चों को स्कूल लेके जाओ, लेकिन शाम को सिर्फ 1 घंटे के लिए, और ध्यान रखना कि वो एनजीओ वाले उनको क्या सिखा रहे हैं। ये थोड़ा पढ़ लिख लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। और देखो, तुम दोनों नजर रखना बच्चों पे, देखना कहीं वो अपना मुंह ना खोले वो एनजीओ वालों के सामने। हाँ ठीक है दीदी। कचरू देख तो कौन है। हेलो जी, मैं निर्मला बोलू हूँ, चंदा की अम्मा। चंदा से बात करनी थी। चंदा की अम्मा है? पीछे ही पड़ी है। गौरी जा, चंदा को ले आ जा। जी फोन चालू रखना, चंदा आ रही है अभी। चंदा उठ, तेरी माँ का फोन है, चल। इधर आ। तुझे पता है ना क्या बात करनी है अपनी अम्मा से? कुछ और बोले ना तो इस बार हाथ तोड़ दूंगी तेरा। देख बात कर। अम्मा। चंदा कैसी है रे तू? मैं ठीक हूँ अम्मा। तू अच्छे से पढ़ रही है ना? हाँ अम्मा। थारी खड़ी याद आवे है। मुझे भी आप सबकी बहुत याद आती है अम्मा। तू इतनी दूर चली गई है कि तुझसे मिलने भी ना सके। दुर्गा दीदी कहती है कि कलकत्ता बहुत दूर है। हाँ माँ, बहुत दूर है। पर हम एक ना एक दिन तुझसे मिलने जरूर आवेंगे। राधा और कुसुम भी थारे को बहुत याद करे हैं। काश कि मैं थारी तरह इन दोनों को भी दुर्गा दीदी के पास भेज सकती। हाँ माँ, उन्हें भी भेजते। चंदा मैं भी फोन रखती हूँ, वो फोन पे बहुत पैसा चढ़ गया है, वो मारी जरा दुर्गा दीदी से आगे बात करा तो। हाँ निर्मला कैसी हो? ललित भाई साहब कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक हैं, बस इधर से उधर घुमा करे हैं, हर दिन नयो बसेरो है। दुर्गा दीदी, थारे से एक प्रार्थना करनी थी। राधा और कुसुम को भी आप अपने साथ ले जाते तो वो भी स्कूल में पढ़ लेते। अरे यहाँ काम बहुत बढ़ गया है, राजस्थान आने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। अगली बार आऊंगी ना तो तेरी चंदा को साथ लेकर आऊंगी। फिर तू खुद ही देख ले तेरी बिटिया कितनी खुश है यहाँ। ठीक है दीदी, रखती हूँ, आप जल्दी आइएगा। हाँ हाँ आऊंगी। बरस बीत के चंदा को गए हुए, काश हम कुछ पैसा जोड़ पाते, चंदा से मिलने कलकत्ता जा पाते। हम जरूर जाएंगे निर्मला, पर हमें ये सोचकर बहुत खुश होना चाहिए कि उसे वहां रहकर एक बेहतर भविष्य मिलेगा। हमारे साथ रहकर उसे क्या मिलता? भगवान से बस यही प्रार्थना है कि जिंदगी में आगे बढ़े।
और अपनी दोनों बहनों की जिंदगी सुधार सके। यहाँ आकर बैठ जाओ, आ जाओ, आइए आइए आगे बैठिए। मैडम हाँ, हम लोग इधर ही पास में बैठ जाते हैं। हाँ हाँ बैठे ना बैठे। बच्चों आज हमारे साथ कुछ नए दोस्त आए हैं, मिलना है उनसे। हाँ। तुम्हारा नाम बताओ। पिंटू। पिंटू, और तुम? तुम? चंदा। चंदा, वेरी गुड, बैठ जाओ। तो बच्चों आज हमारे नए दोस्त पहली बार आए हैं, तो सफाई का पार्ट आज फिर से दोहराएंगे? हाँ। वेरी गुड। इन लोगों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? वो बच्चे मोहन और कजरी के नहीं है। नहीं, इतने जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं है। पहले उन बच्चों का विश्वास जीतो, उन्हें रोज आने दो, धीरे धीरे उन्हें जानने की कोशिश करो। पर हम अभी कोई एक्शन क्यों नहीं ले सकते? तब तक नहीं जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि वो बच्चे कौन हैं, कहां से आए हैं, और वो जो कुछ कर रहे हैं वो उनसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है। ये एक माफिया है रवि, ये अकेले नहीं चलाया जाता, बहुत सारे लोगों की मुठ्ठियां इसमें गर्म की जाती है। हमें धीरे धीरे कदम उठाने होंगे और सही मौके पर सही एक्शन लेना होगा। एजुकेशन के माध्यम से एनजीओ इस कोशिश में था कि बच्चों की जिंदगी में बदलाव ला पाए, और इसी के जरिए वो उन बच्चों को समझने, उनके करीब आने की कोशिश कर रहे थे जो कि बेगिंग माफिया की गिरफ्त में थे। पहले उन्हें बच्चों का विश्वास जीतना था, उनके बारे में जानकारी हासिल करनी थी, और फिर उन्हें बचाने का तरीका डिसाइड करना था। इनके पढ़ाई के चक्कर में हम बैठ के पकते हैं। चल थोड़ा घूम के आते हैं। नहीं, याद है ना दुर्गा दीदी ने क्या कहा था? हाँ याद है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है हम जा सकते हैं, जा सकते हैं। वैसे भी ये लोग हर रोज वही ए बी। चल चलते हैं, चक्कर लगा के आते हैं। नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। चलना, थोड़ा घूम के आते हैं। ठीक है, लेकिन पूछ के जाते हैं। पूछते हैं। मैडम जब बच्चे पढ़ रहे हैं तब तक हम थोड़ा जाके आते हैं। जी जरूर, आपके लौटने तक बच्चे हमारे पास ही रहेंगे। हम लोग एक घंटे में आ जाएंगे। दिन गुजरते गए, मोहन और कजरी को अब एनजीओ के लोगों पर भरोसा होने लगा था। वो बच्चों को छोड़कर टहलने निकल जाते थे। यही वक्त होता था जब काजल और नमिता बच्चों से बात कर सकते थे। बच्चों आज हम क्लास को दो ग्रुप्स में बांटेंगे ताकि हम अलग अलग बातें सीख सके। ओके, तो पिंटू, दीपू, आकाश, चंदा और सानिया, अमन और तौसिफ मेरे साथ आओ। चलो जल्दी। तो बच्चों मुझे बताओ कि यहाँ आकर सबको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ
यहाँ पर आने से पहले और यहाँ से जाने के बाद मंदिर के सामने खड़े रह के भीख क्यों मांगते हो? बताओ ना, डरो मत। क्या तुम लोगों को ये काम करना अच्छा लगता है? देखो बेटा, हम लोगों को पता है, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। हम जानते हैं कि ये सब जो भी तुम कर रहे हो अपनी मन मर्जी से नहीं कर रहे, बल्कि तुमसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। हमें तो ये भी लगता है कि कजरी और मोहन तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आज नहीं बताना हो तो कोई बात, लेकिन एक बात समझ, अगर तुम लोगों में से किसी को भी कुछ भी कहना हो तो मुझसे या काजल दी से बात कर सकते हैं, ठीक है? अब चले, चल। माँ बाप कहाँ है? मोहन और कजरी हमारे माँ बाप नहीं है। तो तुम लोग कहाँ से आए? ये लोग कहाँ से लाए हैं तुम्हें? सिर्फ चंदा को पता है इसकी माँ कहाँ है। इसकी माँ उसे हमेशा फोन करती है। चंदा, क्या तुम्हारी माँ को पता है कि ये लोग तुमसे क्या काम करवाते हैं? डरो मत बेटा, बोलो। ये तुम्हारे पैर को क्या हुआ है? मेरा पैर बचपन से ही है सर। सिर्फ ये एक लड़की है जो अपनी माँ को जानती है। चंदा की अक्सर माँ से बात होती रहती है। तो क्या उसकी माँ ने सब कुछ जानते हुए भी चंदा को यहाँ भेजा है? पता नहीं, बच्चे इतनी डरी हुई है कि कुछ बोलती ही नहीं। वो थोड़ा लंगड़ा कर भी चलती है, मुझे लगता है कि वो कुछ छुपा रही है। उसका पैर बचपन से ऐसा नहीं था। उससे बात करते रहो, हो सकता है वो सच बता दे। हाँ बोलो पिंटू। दीदी, चंदा झूठ बोल रही है, उसका पैर बचपन से ऐसा नहीं है। तो फिर नहीं दीदी, मेरा पैर बचपन से ही ऐसा। नहीं दीदी, इसने पूरी भाजी खाई थी ना, उसकी वजह से इसका पैर ऐसा हुआ है। पूरी भाजी खाने से इसका पैर ऐसे हो गया? नहीं दीदी, मेरा पैर ऐसा ही है। पिंटू सच सच बताओ, पूरी भाजी का क्या चक्कर है? बहुत भूख लगी है। मोहन भैया और कजरी दीदी,
मैं पूछे बिना हम कुछ नहीं खा सकते। जाओ उस नल के पास पानी पी ले, फिर तुझे भूख नहीं लगेगी। पहले की बात है, शायद एक डेढ़ साल पहले की होगी। हम जहांगीरपुरी सिग्नल के पास भीख मांग रहे थे। मैंने चंदा को बोला कि हम हमारी कमाई से एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकते, पर इसे बहुत भूख लगी थी। पागल हो गई है, तूने अपने कमाई से पैसे खर्च कर दिए। पिंटू मुझे बहुत भूख लगी है, मैं मोहन भैया को बोल दूंगी कि जितनी कमाई हुई है। पागल, उनकी नजर हम सब पे रहती है, कितने कितना कमाया उनको सब पता रहता है। तू खाएगा? थोड़ी भाजी बहुत अच्छी है। नहीं, खा। ₹12 कम होंगे। क्यों? इस छोकरी ने पूरी भाजी पर खर्च कर दिए। ए गौरी, तूने इसको ठीक से समझाया नहीं था क्या? समझाया था ना छोरी, कहा था ना मोहन भैया और कजरी दीदी से पूछे बिना कुछ नहीं खाना। तो फिर भूख लगी थी बेटा, कोई बात नहीं, आ इधर आ। कोई बात नहीं, पर तुझे पता है ना, तुम लोग जो ये कमाई करते हो ना, वो तुम लोगों पे ही खर्च होती है। तुम उसे ऐसे नहीं खर्च कर सकते। आगे से नहीं करेगी ना? नहीं करेगी, पता है मुझे। बच्चन, फिर भी तुझे अच्छे से याद करवा देती हूँ, ताकि आगे से तू ऐसी गलती ना करे। चल आज। चलो जल्दी, चलो चलो चलो। ए चंदा, चल तू भी उठ, जल्दी का मतलब नहीं समझती क्या? चल। दीदी, पैर में बहुत दर्द हो रहा है। और खा पूरी भाजी, खाएगी ना तो दूसरे पैर में भी ऐसे ही दर्द होगा।
चल उठ। दुर्गा दीदी। हाँ। चंदा के पैर की हालत एकदम खराब हो गई है। अच्छा, लोग देखेंगे तो तरस खाएंगे। वो तो ठीक है दीदी, लेकिन किसी डॉक्टर को दिखाते तो अच्छा होता, पैर एकदम नीला पड़ गया है। तू एक काम कर, उसको कुमार साहब के पास लेके जा, उनको पता है क्या करना। हाँ जा। एक मिनट बेटा, एक मिनट। उसके पैर की हालत बहुत ज्यादा खराब है, फ्रैक्चर लगता है, खून भी जम गया है और सूजन भी है। बहुत ज्यादा मारा है क्या? ये बच्चे प्यार की बोली समझते किधर है डॉक्टर साहब? बताओ क्या करना है, प्लास्टर लगाना है? कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे ठीक होने के लिए। उसको कोई दर्द कम करने की गोली दे दो डॉक्टर साहब, दुर्गा दीदी ने ज्यादा खर्चा करने को मना किया है। ठीक है, कुछ गोलियां लिख देता हूँ दर्द कम करने के लिए, सुबह शाम दे दीजिएगा। मैं तो कहता हूँ अभी के लिए एक ही गोली दे देते हैं, बाद में देखेंगे। और वैसे भी जितना ज्यादा दर्द होगा उतना ज्यादा दया करेंगे लोग, अच्छे पैसे कमाएगी। एक गोली देके मोहन के साथ भेज दे उसे, ले। ठीक है। चंदा, तुम्हारी माँ कहाँ है? देखो बेटा, अगर तुम हमें कुछ नहीं बताओगे ना तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। डरो मत। क्यों बताया दीदी को? ये लोग तुम्हें इधर से बाहर निकलेंगे, वो तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन अगर दुर्गा दीदी को ये बात पता चली तो वो मुझे मार ही डालेंगी। वो लड़की डर के मारे कुछ बोल ही नहीं रही है। मुझे लगता है अभी हमें चांस लेकर एक्शन ले लेना चाहिए, उसे किसी सेफ जगह पे ले जाना होगा, तभी वो कुछ बोल पाएगी। लेकिन उससे पहले उससे एक बार और बात करके देख लो, बस हमें ये पता चल जाए कि उसकी माँ कहाँ रहती है। बच्चों, सच सच बताओ, क्या तुम लोगों को अपने अपने घर वापस नहीं जाना है? हमको नहीं पता कि हमारा घर कहाँ है। तो याद करने की कोशिश करो, शायद कुछ याद आ जाए। चंदा, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी माँ कहाँ रहती है, कहाँ से फोन करती है वो तुम्हें? बेटा, अगर तुम हमारी मदद करोगे ना तभी हम पुलिस को बुला पाएंगे, अगर तुम ऐसे डरोगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बच्चों, देखो मैं जानती हूँ कि तुम सब लोग डरे हुए हो, लेकिन जब तक तुम सब कुछ नहीं बताओगे तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। दीदी, पुलिस को बोल के कुछ फायदा नहीं, वो लोग भी दुर्गा दीदी से मिले हुए हैं। वो हमको पकड़ कर फिर से दुर्गा दीदी के पास छोड़ेंगे और वैसे ही मारेंगे जैसे चंदा को मारा था। दीदी, हमको यह आना अच्छा लगता है, फिर ये भी बंद हो जाएगा। लेकिन हम लोग इस तरह हार नहीं मान सकते, तुम लोग इस तरह हार नहीं मान सकते। देखो, हम कुछ भी करके तुम सबको यहाँ से बचा लेंगे, बस भरोसा रखो, विश्वास रखो हम पर, ठीक है?
बच्चे कुछ ज्यादा बोल ही नहीं रहे, सब लोग बहुत ही डरे हुए हैं। इनमें से एक लड़की को इतनी बुरी तरह से मारा पीटा गया है कि उसका एक पांव खराब हो चुका है। अब वो लंगड़ा कर चलती है, वो भी इन लोगों के डर से कुछ नहीं कह पा रही। पहले बच्चों को किसी सेफ जगह ले जाना होगा सर, तभी वो कुछ बोल पाएंगे। उनका ये भी कहना है सर कि पुलिस उस औरत से मिली हुई है, दुर्गा, जो इस पूरे रैकेट को चलाती है। हाँ, लेकिन इस रेड में हमें पुलिस की मदद तो लेनी ही पड़ेगी। That's why we need to be careful, sir. रेड कहाँ करवानी है और रेड करने का असली मकसद क्या है, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। हेलो, मुकेश छाबड़ा बोल रहा हूँ, चाइल्ड केयर ऑर्गेनाइजेशन से। हाँ जी मुकेश जी बोलिए। विक्रम जी, मुझे एक बच्चे को जो बंधुआ मजदूर है उसे बचाना है। किस एरिया से? आप ही के एरिया से है, तभी तो आपको फोन लगाया है। हाँ तो पता बता दीजिए, हो जाएगा। हम चाहते हैं आप इसमें सिर्फ हमारी मदद करें। दरअसल इस रेड को हम खुद सुपरवाइज करना चाहते हैं। मुकेश जी आपको हम पर भरोसा नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं है, हम आपकी सिर्फ मदद चाहते हैं। ये रेड हम कल ही करना चाहते हैं। ओके थैंक यू। मेरा सजेशन ये है कि पहले हमें मंदिर के पास से उन बच्चों को बचा लेना चाहिए, उसके बाद उस जगह पर रेड करनी चाहिए जहां पर इन्हें रखा गया है। आई थिंक ये ठीक रहेगा सर, वैसे भी वो जगह भीड़ भाड़ वाले इलाके में, अगर टीम पहले वहां पहुंची तो वो लोग अलर्ट हो जाएंगे। राइट, आप लोग उन बच्चों से मिले तो इस बात का जिक्र मत कीजिएगा। ओके सर। एक टीम तैयार कर लो दो चार लोगों की, कल रेड डालनी है, किसी बच्चे को बंधुआ मजदूरी से बचाना। ओके सर। सर सिर्फ एक ही बच्चा है? आप सीसी के चीफ ने तो यही बताया। ओके सर। मोहन कजरी आना। तुम दोनों अभी भी उन बच्चों को उन एनजीओ वालों के स्कूल लेके जा रहे हो क्या? हाँ दीदी, हर रोज लेके जाते हैं। तुम दोनों नजर रख रहे हो ना उन पे? हाँ दीदी, हम हिलते नहीं वहाँ से। वो बच्चे उन एनजीओ वालों के सामने अपना मुंह नहीं खोल रहे, इसका ध्यान तो रख रहे हो ना तुम दोनों? हाँ दीदी, उनको ही देखते रहते हैं। कुछ हुआ है क्या दीदी? कुछ नहीं, ऐसे पूछ रही थी। क्या अगले दिन पुलिस की रेड से इन बच्चों की जिंदगी बदली? क्या इनके इस दुख का अंत हुआ? या फिर इस रैकेट को चलाने वाली दुर्गा को इस रेड की खबर पहले ही मिल गई थी? अगर पुलिस की मदद से वो लोग बच्चों को किसी सुरक्षित जगह पर ले भी गए तो क्या बच्चे सच बोलने की हिम्मत जुटा पाएंगे? क्या वो बच्चे कभी अपने घर अपने परिवार के पास वापस लौट पाएंगे? क्या ये रैकेट ये माफिया ऐसे लोगों की मदद के बिना चल सकता है जिन पर असल में इन रैकेट्स को रोकने की जिम्मेदारी है? क्या दुर्गा जैसे लोग कभी कानून की गिरफ्त में आ पाएंगे? क्या चंदा कभी अपने माता पिता से मिल पाएगी जो कि इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि उनकी बेटी कोलकाता के किसी स्कूल में पढ़ रही है? क्या उन्हें कभी अपनी बेटी की इस दुखद सच्चाई का पता चल पाएगा कि उनकी बेटी दिल्ली की सड़कों पर भीख मांग रही है? आखिर चंदा इस माफिया के जाल में फंसी कैसे? इन सभी सवालों के जवाब हम आपके सामने लेकर आएंगे कल रात 11 बजे क्राइम पेट्रोल दस्तक में, इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में।